दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। NISDLET के फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम डेट और एग्जाम सेंटर को लेकर यहां पर नई न्यूज आई है, ऑफिशियल अपडेट आई है जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देखते रहिएगा। तो बेसिकली दोस्तों जो एग्जाम होगा उसके लिए यहाँ पे निर्देश दिया गया है और हर एक स्टेट के जो सचिव हैं उनको ये निर्देश दिया गया है एग्जाम डेट और एग्जाम सेंटर को लेकर। तो वो पूरी जानकारी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि जो प्रेषक हैं वो डॉक्टर संध्या कुमार हैं, वो क्षेत्रीय निदेशक हैं। और ये चीज लिखा गया है सभी स्टेट के शिक्षा विभाग के सचिव को, जो सेक्रेटरी हैं शिक्षा विभाग के उनको ये लिखा गया है। तो ये बेसिकली बिहार सरकार के अंतर्गत का न्यूज हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तरीके से हर स्टेट के सेक्रेटरी को ये न्यूज भेजा गया है। इसमें अगर देखें तो इसका जो विषय है वो है कि DLED प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम सत्र की सैद्धांतिक परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र का चयन एवं निर्धारण कर उसकी सूची उपलब्ध कराने के संबंध में। तो ये जो बेसिकली ये जो नोटिस जारी की गई है ये DLED कार्यक्रम प्रशिक्षण के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है उसमें जो थ्योरी एग्जाम होगा उसके एग्जाम सेंटर के चयन करना और उसका किस तरीके से निर्धारण करना है और कब तक ये सब कुछ करना है उसके संबंध में ये नोटिस जारी की गई है। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो इसमें लिखा गया है कि उपरोक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि माह अप्रैल 2018 में निर्धारित DLED प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम सत्र की सैद्धांतिक परीक्षा हेतु संबंधित जिला मुख्यालय में प्रत्येक केंद्र पर 500 से 1000 परीक्षार्थियों हेतु परीक्षा केंद्र का निर्धारण कर उसकी सूची यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाए ताकि ससमय एवं नियमानुसार परीक्षा कार्यक्रम संचालित किया जा सके। तो यहाँ पर आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गया कि अप्रैल 2018 में ये चीज निर्धारित किया जा चुका है ऑलरेडी कि जो परीक्षा होगी वो अप्रैल 2018 में होगी, फर्स्ट सेमेस्टर की थ्योरिटिकल एग्जाम। और उसके लिए एग्जामिनेशन सेंटर के लिए अभी से नोटिस ऑलरेडी भेज दिया गया है। हर एक सेंटर पे 500 से 1000 परीक्षार्थियों को परीक्षा दिलवाया जाएगा और उसकी सूची यहाँ पर हर एक स्टेट से मांग ली गई है जिस जहां पर की एग्जाम दिलवाया जाएगा। आगे यहाँ पे है कि अतः अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया जाए ताकि यह परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपादित हो सके। तो अब जो है अब क्या होगा, NIS के तरफ से यहाँ पर भेजा गया हर एक स्टेट को, स्टेट के सचिव को। अब वो जो सचिव है वो हर डिस्ट्रिक्ट के जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये नोटिस भेजेंगे कि आपके जिला में जहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाया जाना है उसकी नोटिस जल्द से जल्द जारी करें ताकि माह अप्रैल 2018 में जो एग्जाम निर्धारित है वो हो सके। आगे यहाँ पर अगर देखें मेन चीज तो स्मरणीय है कि DLED अध्ययन केंद्र को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जा सकता है। तो मतलब अभी जो स्टडी सेंटर बना हुआ है जहां पर PCP क्लासेस चल रही है उसको परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जा सकता है, ये बात यहाँ पे नई इस नोटिस में दी गई है। तो अब जहां पर कि आप स्टडी सेंटर है वहां पर आप परीक्षा नहीं देंगे, आपके लिए एक एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाएगा जिस एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको जाकर एग्जाम देना पड़ेगा। और वो नोटिस जो है वो जो एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट है अब यहाँ पर इस नोटिस जाने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी भेजेगी राज्य सरकार को और राज्य सरकार के जो सचिव है वो भेजेंगे NIS को। और उसके बाद जब एक साथ एकत्रित हो जाएगा और इसका जो यहाँ पर NIS के तरफ से टारगेट है अप्रैल 2018 में परीक्षा कराने की। तो दोस्तों यहाँ पे फरवरी लगभग खत्म हो गया, मार्च आपके पास पूरा है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, हमारे चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी मिल जाएंगी जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई है जहाँ पर कि आप आराम से एक महीने में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अप्रैल 2018 में परीक्षा दे सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आप लोगों को, ये ऑफिशियल नोटिस हमें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो बस यही न्यूज़ थी दोस्तों, आगे और भी कोई अपडेट आएगी तो हम आपके साथ बने रहेंगे। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप यहाँ पे कुछ सुझाव या सलाह देना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों जरूर यहाँ पे आप शेयर कीजिए इस वीडियो को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब जगह पे ताकि सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में ही आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, वहां से क्लिक करके आप चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा उसे दबा देंगे तो आगे की वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी बिल्कुल मुफ्त में। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।